अरे गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फेर स्टडीज स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी सो जरा देखते हैं आज कौन सा हमारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करने वाले हैं और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम आज बोर्ड पर क्लास नहीं हुई ए भाई बोर्ड पर क्लास होती रहेगी उसकी कोई टेंशन नहीं है बट कई बार ऐसा होता है कि वैन यू डोंट हैव टाइम जब आपके पास में समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है तो आपकी कोशिश होती है कि क्लास मिस ना हो भले ही यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर क्लास हो चाहे पिन टैप पे हो चाहे बोर्ड पे हो इसलिए अभी ये क्लासेज पर चल रही है बाकी अपन लोगों की जो शाम को क्लास हो रही है वो आज इट इज़ बोर्ड पे ही चल रही है ठीक है चलिए अच्छा देखते हैं इसके अलावा देखो आपके यूट्यूब पर जो क्लासेज होते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे स्पेशल क्लासेस को गोला टिकाते हैं है ना देखो यार फिर ब्लेम मत करना कभी भी अगर जब सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो डोंट ब्लेम द फैकल्टी क्योंकि आपके लिए ही ये इन क्लासेस को चलाया जाता है और जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी पेड क्लास का हिस्सा नहीं है तो उनके लिए तो ये वाले क्लासेस सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं तो प्लीज़ इन क्लासेस को मिस मत किया करिए चाहे आप पेड स्टूडेंट हो चाहे आप यूट्यूब के क्लासेस के स्टूडेंट हो ठीक है चलिए अच्छा इसके अलावा जो आपका मैपिंग का क्लास होता है ये क्लास आपका शाम को साढ़े बजे चलता है ऑन यूट्यूब इसी चैनल पर होता है वाईफर स्टडीज स्टूडियोज चैनल पर नेक्स्ट है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो कि है करंट अफेयर्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करता है बस ये ध्यान रखिएगा कि इस क्लास का जो समय है वो 6:45 फोर्टी एम हो चुका है आप सात बजे की जगह पंद्रह मिनट पहले आपका क्लास होता है तो क्लास को मिस मत करिएगा आइए शुरुआत करते हैं बस सेशन के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर कर दिया करिए क्योंकि जब आप ये काम नहीं करते ना तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है क्या तो इतना सा काम कर दिया करो चल अच्छा देखते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिक होने वाला है तो जरा देखते हैं यहाँ पे कौन सा है सबसे पहला क्वेश्चन बनाए रोमटेक मोनेस्ट्री जो है वो भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंदर ये मोनेस्ट्री आपको मिलेगी मोनेस्ट्रीज होती हैं या फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर होते हैं जिनके ऊपर सवाल बनते हैं तो ये फिलहाल आपके मोनेस्ट्री के बेसिस पे सवाल है ठीक है हेमीज मोनेस्ट्री कहाँ मिलेगी अब देखो हेमीज मोनेस्ट्री की बात करें तो आपके दिमाग में मतलब भाई लिमिट है करोड़ों बार बताने के बाद में भी कि ये अब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि लद्दाख के अंदर आपको इसका एरिया मिलता है उसके बावजूद मैसेज करके पूछेंगे मैम हेमीज है, नेशनल पार्क जो है वो कौन से वाले स्टेट या यूटी के अंदर है? भाई सब कसम से बता रहे हैं तुमको खैर इसका आंसर क्या होगा ले इसका राइट आंसर बनेगा अगर आपसे पूछा जाता है कि हेमीज फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है तो भी आंसर क्या होगा लद्दाख इसका आंसर बनेगा अगर तुमसे पूछा जाता है टिक्से नाम की जो मॉनिस्ट्री है वो कहां पर है तो इसका आंसर बनेगा ये भी आपको लद्दाख के अंदर ही मिलेगी अगला सवाल भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आपको इनके मॉनिस्ट्री देखने को मिलती है तो इसका आंसर क्या होगा गैंगटॉक दैट मीन सिक्किम के अंदर आपको ये लोकेशन मिलेगी अगला सवाल इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है जहां पे आपको दुग्धी मॉनिस्ट्री देखने को मिलती है तो इसका राइट आंसर बनेगा ये कहां पर है योकसॉम के अंदर लोकेटेड है क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो जगह है ये इंडिया में कौन सी जगह पर है कह दो के सीधे मैम ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है ये तो पता चल रहा है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं वेयर इज कार्टॉक मोनिस्ट्री लोकेटेड तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे अगेन योकसॉम में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी आंसर करना कि ये लोकेशन कहाँ पर बनी हुई है अगला सवाल वेयर इज तवांग मोनिस्ट्री ये तो आंसर कर लोगे ये तो ईजी सवाल है आंसर क्या होगा तवांग के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी तवांग कहाँ पे आपको मिलेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन में आपको मिलता है और इसका जो बॉर्डर है किसका अरुणाचल प्रदेश का वो चाइना के साथ में शेयर होता है और जहां जहाँ पे चाइना का बॉर्डर शेयर होगा हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे डिस्प्यूट हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा अगला टिक्से गोम्पा मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है तो ये ले के अंदर है क्यों हम इसको इतना फोकस कर रहे हैं हम इसको फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को जब पूरी झांकी निकाली गई थी तो उस झांकी में जिस मोनेस्ट्री को दिखाया गया था लद्दाख की तरफ से वो कौन सी थी वो टिक्से मोनिस्ट्री ही थी अगला सवाल नमिग्याल मोनिस्ट्री ये भारत के कौन से शहर में है तो ये धर्मशाला के अंदर है स हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको ये मिलेगी अगर आपसे कहा जाए जो दलाई लामा थे तो दलाई लामा कहाँ पर आके इंडिया में उन्होंने रहना स्टार्ट किया था तो वो जगह कौन सी हो जाएगी वो जगह भी आपको धर्मशाला ही देखने को मिलेगी ठीक है अगला सवाल जो खान मोनेस्ट्री ये भारत के कौन से शहर में आपको देखने को मिलती है वाराणसी मथुरा लहासा या फिर गोरखपुर अब देखो या गोरखपुर के अंदर तो मोनेस्ट्री होगी नहीं ऑब्वियस सी बात है तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा लहासा के अंदर आपको इसकी जो लोकेशन है वो देखने को मिलती है ठीक है अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कि मथुरा वथुरा के अंदर भी कुछ ऐसा है क्या ओ भाई मथुरा के अंदर मोनेस्ट्री कब से मिलना स्टार्ट हो गई तो ये ध्यान रखिएगा कि मथुरा के अंदर ऐसी कोई मोनेस्ट्री वोनेस्ट्री आपको नहीं मिलती मोनेस्ट्री जो होती है वो यूजुअली आपको कहाँ मिलेगी जो आपका हिली एरियाज होते हैं ना वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है ठीक है अगला सवाल देखिएगा अगला है यहाँ पे मिनरोलिंग मोनेस्ट्री ये भारत में कहाँ पर लोकेटेड है कौन सी वाली ये वाली कहाँ पर आपको मिलेगी तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा देहरादून के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी अब देहरादून का तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ हो जाएगी उत्तराखंड के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है ठीक है अब जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा उत्तराखंड से मतलब क्या हो गया यहाँ पे भाई उत्तराखंड हुआ तो उत्तराखंड की आपको दो कैपिटल पहली हो जाएगी देहरादून दूसरी कैपिटल क्या हो जाएगी ग्यारसियन अगर तुमसे पूछा गया समर कैपिटल तुम कहोगे ग्यारसियन अगर तुमसे कहा गया विंटर कैपिटल तो तुम कहोगे देहरादून ठीक है अगला सुनिएगा टाबू मोनेस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है तो इसका राइट आंसर बनेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन मिलती है हिमाचल की भी आपको दो कैपिटल देखने को मिलेंगी एक हो गई धर्मशाला और दूसरी कौन सी हो जाएगी शिमला ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट कौन सा है ये तो खतरनाक सा नाम ही खतरनाक सा लग रहा है देखो जरा क्या है सुलगोग लांग ख़ोंग मोनेस्ट्री हाय राम ऐसे नाम कौन लगता है इसका आंसर हो जाएगा ये धर्मशाला के अंदर लोकेटेड है ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यार ये मतलब ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नाकू मोनेस्ट्री ये तो इजी वाला है नाकू मोनेस्ट्री कहाँ मिलेगा ये आपको किन्नौर के अंदर मिलता है अगला है माथो मोनेस्ट्री सुनो माथो मोनेस्ट्री है मैथ मोनेस्ट्री नहीं है आज से जाके बोलेंगे कि मैथ जो है वो भी मोनेस्ट्री के अंदर मिलती है तो इसका अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपको इंद्रस नदी के किनारे पे मिलेगी यानी कि जो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है अगला क्या है घूम मोनेस्ट्री अब घूम मोनेस्ट्री है घूमर डांस फॉर्म नहीं है कहाँ मिलेगा ये वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मिलेगा नेक्स्ट है टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री ये कहाँ पर है तो इसका आंसर हो जाएगा ये भूटान के अंदर मिलेगी देखो मोनेस्ट्रीज आपको वहीं पे मिलेंगी जहाँ पे बौद्ध धर्म का पालन जो है वो थोड़े आ, लार्ज एक्सटेंट पे होता है वहां पे आपको ये मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं अगला कौन सा है अगला है युम्बुल लैंग गैंग मोनेस्ट्री हे भगवान इसका आंसर क्या बनेगा तिब्बत के अंदर है ये जो चाइना वाले ना कम से कम चिंग पैंग पुइंग ऐसे करके ही नाम रख लिया करें वो ज्यादा बेटर होता है खतरनाक होते हैं इस तरीके के नाम जब आपको मिलते हैं अगला हैंगिंग मोनस्ट्री ये इजी वाला है यार ये तो आंसर कर लोगे ये चाइना के अंदर आपको मिलेगा आपको अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि जो बौद्धिज्म है है ना बौद्धिज्म के आपको दो फेजेस मिलते हैं एक है हीनयान एक है महायान आप मुझे बताओ चाइना के अंदर हीनयान फॉलो होता है या फिर महायान फॉलो होता है अगला टाउन कैलाट ये कहाँ पर लोकेटेड है तो इसका आंसर होगा म्यांमार के अंदर म्यांमार के अंदर भी बुद्धिज्म रिलीजन जो है इसको फॉलो किया जाता है नेक्स्ट है लामा टेम्पल ये कहाँ पर बना हुआ है तो ये चाइना के अंदर बना है कई बार आपसे पूछा जाता है अंकुर बाट टेम्पल जो है वो कहाँ है तो आप कह देंगे कि अंकुरवाट कहाँ पर बना है कम्बोडिया के अंदर लोकेटेड है तो ये कुछ मॉनिस्ट्रीज थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी क्योंकि हिस्टोरिक प्लेसेस में मैं आपके साथ में टेम्पल को डिस्कस कर चुकी हूँ हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स को हम आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये जो मॉनिस्ट्रीज थी इनको मैंने अलग से नहीं पढ़ाया था जो मैंने आज कवर आपके लिए कर दी ठीक है इसके अलावा अभी आपसे मिलते हैं देखो अभी भी सात बजे ही लिखते हैं अभी आपसे मुलाकात करते हैं पौने सात बजे के सेशन में टिल देन आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल क्लासेस को गोला टिका रहे हैं भैया बाज आ जाओ अभी भी समय दूसरा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर के लिए एनडीए सी डी एस कोई भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है मैथ्स इंग्लिश एंड रीजनिंग और साथ में जी तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है ज्वाइन कर लीजिएगा इसके अलावा आपका हर संडे को होता है टेस्ट जहां पे आप जीत सकते हैं प्राइजेस दोपहर में बारह बजे टेस्ट होता है कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो ईएमआई पे जाके बैचेस को अवेल करना चाहते हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं ठीक है चलो मिलते हैं पौने सात बजे टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा